हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द वॉल्ट और ये एक हॉरर थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, इसलिए इस मूवी के एंड में ही इस मूवी का सरप्राइज पॉइंट छुपा होगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बैंक दिखाया जाता है और शाम होने पर इस बैंक में काम करने वाला एड नाम का आदमी कॉफी पी रहा होता है। तभी उस बैंक में एक पुलिस ऑफिसर आइगर आता है और वो बैंक में ही काम करने वाली सुजैन की डेस्क पर जाकर वेट करने लगता है। उसके बाद बैंक में एक लिया डिलेन नाम की लड़की भी आती है। उस बैंक में पहले से ही वी नाम की लड़की बैठी हुई थी और वो किसी का इंतजार कर रही थी। तभी वी के पास आकर बैंक कर्मचारी एड कहता है, मुझे इन पुलिस के सायरन से नफरत है क्योंकि बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ियों के सायरन लगातार बज रहे थे, इसलिए एड ऐसा कह रहा था। वी एड को देखने लगती है और एड भी वी को देखने लगता है। उसी समय बैंक में काम करने वाला क्रिस नाम का आदमी वी को अपने कैबिन में चलने के लिए कहता है। वी क्रिस के साथ उसके कैबिन में चली जाती है और क्रिस उसके डॉक्यूमेंट चेक करने लगता है। दूसरी तरफ बैंक में आया पुलिस ऑफिसर अपना काम खत्म करके वहां से चला जाता है और बैंक में आई लिया नाम की लड़की बैंक में ही काम करने वाली एक लेडी से उसका चेक बाउंस होने के बारे में डिस्कस कर रही थी और अचानक लिया उस लेडी से झगड़ा करने लगती है, बदतमीजी से बात करने लगती है। तभी वहां पर बैंक के दूसरे कर्मचारी भी आ जाते हैं और लिया उनसे भी बहस करने लगती है। तभी बैंक में फायर सेफ्टी सूट पहनकर तीन लोग आते हैं और तब अचानक बैंक कर्मचारी से बहस कर रही लिया एक आदमी को मारने लगती है। ये देखकर केबिन में बैठी वी भी अपने पास से गन निकालकर वो गन क्रिस पर अड़ा देती है। सिक्योरिटी वाला लिया को रोकने लगता है। तब फायर सेफ्टी सूट पहने लोग सिक्योरिटी वाले पर हमला करते हैं और बैंक में उपस्थित सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं और बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों पर पेंट करने लगते हैं। वही फायर सेफ्टी सूट पहना माइकल नाम का आदमी लिया से कहता है, हमारे बीच तय हुआ था कि हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। इस बात को लेकर लिया और माइकल दोनों में बहस होती है और बैंक रॉबरी करने आए लोग सभी लोगों के हाथ बांध देते हैं और बैग से उन सभी का चेहरा ढक देते हैं। रॉबरी करने आए लोगों में से क्रेमर नाम का आदमी उस बैंक में काम करने वाली सुजैन को और मैरी को अपने साथ लॉकर रूम में ले जाता है और लॉकर्स का पिन डालकर उसमें से पैसा निकालने के लिए कहता है। मैरी डरकर लॉकर खोलती है तो लॉकर के अंदर थोड़े से ही पैसे थे और क्रेमर उन पैसों को बैग में भरकर ये बात सभी को बताता है कि लॉकर में $70,000 ही थे। उन्हीं में से वी कहती है, ये हमारे लिए काफी नहीं है, फिर भी हमें ऐसे निकलना चाहिए, जल्दी यहाँ से निकलो। ये सुनकर लिया कहती है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, हम यहाँ पर इतने से पैसों के लिए नहीं आए थे। इस बात को लेकर लिया और वी दोनों के बीच बहस होने लगती है और रॉबरी करने आए लोग एक दूसरे पर गन अड़ा देते हैं। तब उन्हीं में से माइकल कहता है, यहाँ पर पैसा नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तब वहाँ खड़ा साइरस कहता है, ये बैंक है और यहाँ पर हमेशा पैसा होता है। तभी इन सभी की बातें सुनकर वही बंधक बनाए हुए एक आदमी कहता है, मैं बता सकता हूँ पैसा कहाँ है, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ का असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मैं इस बैंक को पूरी तरह से जानता हूँ। सबसे पहले तुम्हें यहाँ का अलार्म डिस्कनेक्ट करना होगा। लिया कहती है, कौन सा अलार्म? तब एड नाम का असिस्टेंट मैनेजर कहता है, वो अलार्म डेस्क के नीचे लगे है और वो सेट हो जाएंगे क्योंकि तुम लोगों ने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। तुम्हारे पास बस 3-4 मिनट ही बाकी है। लिया कहती है, और उसके बाद क्या होगा? एड कहता है, उसके बाद यहाँ पर पुलिस होगी, इसलिए मेरे हाथ खोलो और मेरे चेहरे से बैग हटाओ। मैं तुम सभी की मदद कर सकता हूँ यदि मैंने सारे लॉकर बंद नहीं किए, कंप्यूटर में पिन नहीं डाला तो अलार्म शुरू हो जाएगा और ये काम बस मैं और मैनेजर ही कर सकते हैं। लिया देखती है तो लिया ने पहले ही मैनेजर को मार मार कर बेहोश कर दिया था और ये सुनकर लिया एड के चेहरे से वो बैग निकालती है। एड कहता है, मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ पर तुम लोगों को मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा, तुम हम लोगों में से किसी को चोट नहीं पहुंचाओगे। लिया कहती है, अगर तुमने वो किया जो हम कहेंगे तो हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, तुम अपना काम करो। ऐसा कहकर वो लोग एड के हाथों को खोल देते हैं और एड ओपन किए लॉकर को बंद करके वापस से कंप्यूटर पिन डालता है और लॉकर को पिन के जरिए बंद कर देता है। उसके बाद लिया एड पर गन अड़ाकर पूछती है, अब बताओ सारा पैसा कहाँ रखा है? एड कहता है, सारा पैसा एक पुराने लॉकर रूम में रखा है, वो पुराना लॉकर रूम है पुराने बैंक का। वही खड़ा क्रेमर कहता है, हम ड्रिल मशीन से उस लॉकर रूम को भी खोल सकते हैं। वो लॉकर रूम कितना पुराना होगा? एड कहता है, लगभग 60-70 साल पुराना। लिया कहती है, उसमें कितना पैसा होगा? एड कहता है, तकरीबन $6 मिलियन कैश। यह सुनकर रॉबरी करने आए सभी लोग शॉक रह जाते हैं
और एड कहता है बेसमेंट के अंत में एक हॉल है और वहां पर एक दरवाजा है और ये उस दरवाजे की चाबियां है। लिया एड से उन चाबियों को लेती है और कहती है हम ये करने वाले है। ये सुनकर वी सभी को अपना प्लान बताती है कि किसको क्या क्या करना है। वी कहती है हम आग के जरिए पुलिस को बिजी रख सकते हैं और यहाँ से भाग सकते हैं। क्रेमर नीचे जाकर लॉकर रूम को खोलेगा, तब माइकल बेसमेंट की वाटर लाइन को कट करके उसे ओपन करेगा। तब कुछ लोग बैंक में रहकर असिस्टेंट मैनेजर पर नजर रखेंगे और साइरस बंधक बनाए लोगों पर नजर रखेगा और अंत में हम वाटर लाइन के जरिए $6 मिलियन लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। क्रेमर और लिया बेसमेंट में जाते हैं और वहां से वो लॉकर रूम की तरफ जाते हैं। वी ऊपर सीसीटीवी कैमरों के जरिए लिया और क्रेमर को देख पा रही थी। माइकल अंदर के कमरे में बंधक बनाए लोगों पर नजर रख रहा था। तभी बैंक की कर्मचारी सुजैन माइकल को टॉयलेट जाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ क्रेमर लॉकर रूम तक पहुंचकर लॉकर रूम को देखकर कहता है इसे ओपन करने में 20 मिनट लग जाएंगे। तब लिया कहती है ठीक है तुम इसे ओपन करो और लिया वापस ऊपर जाने लगती है। तभी लिया को महसूस होता है कि वहां बेसमेंट में उनके अलावा कोई और था और लिया आसपास देखकर वहां से चली जाती है। ली ऊपर एड पर नजर रख रही थी, तभी बैंक की लाइट ब्लिंक होने लगती है और वी खिड़की के जरिए बैंक के बाहर देखती है तो वी देखती है कि बैंक को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था। माइकल सुजैन को टॉयलेट में ले जाता है और टॉयलेट में सुजैन माइकल से कहती है आप मुझे अच्छे आदमी लग रहे हो, आप लोगों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते। माइकल कहता है कभी कभी हम लोग गलत लोगों से समझौता कर लेते हैं, मैंने भी ऐसा ही किया और अब मुझे बहुत सारा कर्ज चुकाना है इसलिए हम लोगों को ये सब करना पड़ा और मेरी दोनों बहनें इसमें मेरा साथ दे रही है। और ऐसा बोलकर माइकल सुजैन के चेहरे पर वापस से बैग पहनाकर उसे बांधकर वापस ले जाता है। माइकल को सुजैन के साथ वी देख लेती है और वो वी से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अब तक पाइप कट करने नहीं गए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। माइकल कहता है ठीक है मैं अभी जाता हूँ और माइकल भी अपना बैग लेकर बेसमेंट की तरफ चला जाता है। क्रेमर लॉकर रूम के दरवाजे को ड्रिल मशीन से खोलने की कोशिश करता है और साइरस बंधक बनाए लोगों पर नजर रखता है। बेसमेंट में जाकर माइकल भी वाटर लाइन के पाइप को कट करने लगता है ताकि ये सभी लोग वाटर लाइन के पाइप से भाग सके। लिया भी वी के पास आकर बेसमेंट के कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को स्क्रीन पर देखने लगती है। तब वहां पर असिस्टेंट मैनेजर एड भी बैठा हुआ था और वो भी स्क्रीन को देख रहा था। क्रेमर लॉकर रूम का दरवाजा खोल देता है, तब लॉकर रूम के अंदर अंधेरा था। तभी क्रेमर को बाहर की ओर से कोई आवाजें सुनाई आती है। क्रेमर देखता है तो वहां पर भी कोई आदमी खड़ा हुआ था और उसने भी अपने चेहरे पर बैग पहन रखा था, पर सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन में लिया और वी को वहां पर कोई दिखाई नहीं देता। क्रेमर उस आदमी को अंधेरे में देख रहा था, तब लिया कहती है क्रेमर वहां पर किसको देख रहा है, वहां पर तो कोई नहीं है। क्रेमर वॉकी टॉकी पर वी से कहता है यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, पर वी को उसकी कोई भी आवाज नहीं आती और लिया और वी और क्रेमर का कांटेक्ट टूट चुका था और लिया और वी क्रेमर से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी क्रेमर के सामने और लोग आकर खड़े हो जाते हैं और वो सभी क्रेमर को घेर लेते हैं। क्रेमर उन लोगों से डर रहा था और वो लॉकर रूम के अंदर चला जाता है, तो वो लोग भी क्रेमर के पीछे लॉकर रूम के अंदर चले जाते हैं। वो सभी लोग क्रेमर को घेर कर उसे मारने लगते हैं, पर स्क्रीन पर लिया और वी को वहां पर कोई दिखाई नहीं देता और क्रेमर चीखने लगता है। क्रेमर के चीखने की आवाज माइकल को भी आती है। सीसीटीवी स्क्रीन पर ये सब देखकर लिया कहती है क्या नीचे कोई था जो हमें दिखाई नहीं दिया, और ऐसा कहकर लिया भी बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, पर बेसमेंट की तरफ जाने वाला दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और बैंक की लाइट्स फिर से ब्लिंक होने लगती है। बंधक बनाए लोगों में से साइरस को कुछ पुराने बैग पहने लोग नजर आते हैं और वो सब भी उठकर साइरस पर हमला कर देते हैं। इन लोगों ने भी अपने चेहरे पर वही पुराने बैग पहन रखे थे। साइरस चीखता है, तब वी साइरस के पास जाने लगती है। तब साइरस जिस रूम में था उसका दरवाजा भी अचानक बंद हो जाता है और वी अंदर नहीं जा पाती। लिया गन से बेसमेंट के दरवाजे को तोड़ती है, तब ली के पास वाला दरवाजा भी अचानक से खुल जाता है। वी अंदर देखती है तो वहां पर बंधक बनाए गए सारे लोग थे, पर वहां पर साइरस नहीं था। माइकल क्रेमर को देखने पुराने लॉकर रूम की तरफ जाता है तो वो देखता है वहां पर क्रेमर घायल पड़ा हुआ था और क्रेमर अपने पास रखी ड्रिल मशीन को उठाकर अपने सर में ही होल कर देता है। ये सब देखकर माइकल वहां से भाग जाता है और लिया भी बेसमेंट की तरफ जाकर माइकल को ढूंढने लगती है। वो माइकल से वॉकी टॉकी पर भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है, पर माइकल दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं देता। सीसीटीवी कैमरा स्क्रीन पर भी वी को बेसमेंट में कोई दिखाई नहीं देता। ये सब देखकर वी को कुछ गड़बड़ लगती है और वी वहीं बैठे एड से पूछती है नीचे ये सब क्या हो रहा है, मुझे सब कुछ सही बताओ, क्या ये तुम्हारा कोई सेटअप था? एड कहता है मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, सचमुच मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। ये सब सुनकर वी एड पर चिल्लाती है और वो कहती है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो,
तभी बैंक में एक फोन आता है और वी फोन को अटेंड करती है तो सामने से पुलिस ऑफिसर आइगर कहते हैं, क्या अंदर सब लोग सुरक्षित है? मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर तुम लोग यहाँ से भागना चाहते हो तो यहाँ से भाग जाओ, हम तुम लोगों को चोट नहीं पहुँचाएंगे। ये सुनकर वी कहती है, अगर हम लोगों को कुछ हुआ तो हम बंधक बनाए लोगों को मार देंगे। और ऐसा कहकर वी फोन रख देती है। और वी एड से पूछती है, तुम्हारा हेड टेलर कौन है? एड कहता है, सुजन रेनॉल्ड। ये सुनकर वी बंधक बनाए लोगों में से सुजन को लेकर आती है और वी उससे पूछती है, क्या तुमने पुलिस को कॉल किया? सुजन कहती है, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? वी कहती है, तो पुलिस को ये सब कैसे पता चला, मुझे बताओ। सुजन डरते हुए कहती है, पर तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी। वी कहती है, मुझे बताओ क्या बात है? सुजन कहती है, बेसमेंट में लॉकर रूम की तरफ कुछ है, पता नहीं क्या, पर वहाँ पर कोई नहीं जाता और ना ही कभी सिक्योरिटी वाले जाते हैं, क्योंकि 1982 में जो कुछ भी हुआ उसके कारण 1982 में एक आदमी ने बैंक लूटने की कोशिश की थी, तब किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। बैंक लूटने वाला आदमी बहुत बुरा था, उसने लोगों को कई दिनों तक बंधक बनाए रखा, ना खाना दिया और ना पानी, और उसने पुलिस से भी बैंक से भागने के लिए गाड़ी की मांग की। पुलिस देरी करती रही और वो आदमी भड़क गया। उसके बाद उस आदमी ने एक से दूसरे को शूट करवाया और उसने सबसे पहले बैंक मैनेजर को मरवाया और बचे हुए लोगों को उसने मार दिया। उनमें से बचे कुछ लोगों को वो बेसमेंट के लॉकर रूम में ले गया और वहां पर उन्हें जिंदा जला दिया। उस रॉबरी करने वाले को पुलिस कभी नहीं पकड़ पाई और ना ही किसी ने उसका चेहरा देखा। कुछ लोगों को मरे हुए लोग बेसमेंट में दिखाई दिए। जो बेसमेंट में गया था उनसे पूछो, वो लोग आपको बताएंगे कि पुराने बैंक के बेसमेंट में जरूर कुछ है। ये सब सुनकर वी कहती है, मुझे तुम्हारी स्टोरी बहुत पसंद आई। और वी वहीं रखा एक लैंप तोड़कर सुजैन को झटका देने वाली थी, तभी वहां माइकल आ जाता है और वो कहता है, तुम इसके साथ क्या करने वाली थी? और ऐसा कहकर माइकल जाने लगता है, तब वी उसे रोकती है। तब माइकल कहता है, हमारे बीच तय हुआ था कि हम किसी को नहीं मारेंगे। और ऐसा कहकर माइकल रोने लगता है। वी पूछती है, क्या हुआ माइकल? माइकल कहता है, क्रेमर मारा गया, उसने ड्रिल मशीन लेकर अपने ही सर में चला ली, नीचे जरूर कुछ है, इस जगह में जरूर कुछ गड़बड़ है। तभी वहां पर पैसों का एक बैग लेकर लिया आती है और वो कहती है, मुझे नीचे और पैसे मिले। तब वी लिया को कहती है, क्रेमर मारा गया और बाहर पुलिस है। लिया बाहर पुलिस को देखती है और वी पैसों को देखती है और वी कहती है, ये सारे पैसे तो 1982 के है। लिया कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा पैसा है। तब वी और लिया के बीच में वापस से बहस होने लगती है। तभी वी को लिया के शरीर पर लेजर लाइट दिखाई देती है और वी लिया को धक्का देती है और उसी समय पुलिस फायरिंग करती है, पर लिया बच जाती है। तब एड लिया से कहता है, बाहर ये सब क्या हो रहा है? लिया कहती है, मुझे कुछ नहीं पता, वो लोग फायरिंग कर रहे हैं। एड कहता है, तो अब तुम लोग क्या करने वाले हो? तुम्हारा प्लान फेल हो चुका है और यहाँ पर लोग मारे जाएंगे। लिया कहती है, कोई नहीं मारा जाएगा और तुम भी नहीं मारे जाओगे। ऐसा कहकर लिया वापस बेसमेंट की तरफ चली जाती है। आगे वापस बैंक में कॉल आता है, पर इस बार वी कॉल अटेंड नहीं करती। वी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड से पूछती है, वो लोग हम पर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? उनकी अगली चाल क्या होने वाली है? सिक्योरिटी गार्ड कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, पर उनके बीच जरूर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, नहीं तो वो लोग फायरिंग करने की गलती नहीं करते। वो लोग इस समय ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, बाहर एक साथ तीन डिपार्टमेंट काम कर रहे होंगे, पुलिस, FBI और ATN, और इन तीनों के बीच में सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उन लोगों ने फायरिंग की। तुम्हें अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ बंधक बनाए लोगों को छोड़ना होगा, तभी तुम्हें थोड़ा टाइम मिलेगा और तुम यहाँ से भाग पाओगे। नीचे माइकल वाटर पाइप को कट कर देता है और तभी उसे एक लेडी के रोने की आवाज आती है। माइकल उस तरफ देखने जाने लगता है, तभी ऊपर केबिन में रखे फोन में बीप साउंड बजने लगता है और ये देखकर वी कहती है, ये क्या हो रहा है? सुजैन कहती है, बैंक के अंदर से कोई बाहर की ओर फोन कर रहा है। वी फोन को उठाती है तो कोई आदमी पुलिस से बात कर रहा था। मैं सेंचुरी ट्रस्ट से बोल रहा हूँ, हमारे बैंक पर रॉबरी चल रही है, जल्दी यहाँ पर पुलिस को भेजे। ये बात सुनकर वी शॉक रह जाती है कि बैंक से पुलिस को कॉल कौन कर रहा है, क्योंकि बैंक में उन्होंने सभी लोगों के हाथ बांध दिए थे और उनका चेहरा बैग से ढक दिया था। बेसमेंट में माइकल को लेडी के रोने की आवाज आ रही थी तो माइकल उस तरफ जाकर देखता है तो वहां पर एक लेडी थी जो रो रही थी और वो माइकल से कहती है, मुझे कुछ मत करना। माइकल उस लेडी के पास जाकर उसे शांत करता है और तभी माइकल को दूसरी तरफ से लिया की आवाज आती है। माइकल उस तरफ पलट कर देखता है और वापस उस लेडी की तरफ पलटता है तो वो लेडी एक कंकाल बन चुकी थी और वो माइकल पर अटैक करने लगती है। ये सब देखकर माइकल वहां से भागता है
ऊपर बैंक में फिर से फोन बजता है और वी इस बार कॉल अटेंड करके कहती है, ये सब तुम क्या कर रहे हो पुलिस ऑफिसर, तुम हम पर अटैक क्यों कर रहे हो। तब पुलिस ऑफिसर आइगर कहता है, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, हमने इसलिए फायर किया क्योंकि हमें लगा तुम किसी को चोट पहुंचा रहे हो। यह सुनकर वी कहती है, ठीक है मैं आपके साथ काम करके देखती हूँ। वी बंधक बनाए एक आदमी को बाहर ले जाकर रिहा करती है और कहती है, अगर हम पर हमला हुआ तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर पुलिस ऑफिसर आइगर कहते हैं, ठीक है हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। वी कहती है, बैंक में से तुम्हें किसने कॉल किया। आइगर कहता है, हमें ये जानकारी रेडियो पर मिली और हम यहाँ पर आ गए। यह सुनकर वी वापस बैंक में चली जाती है और अंदर फोन में वापस बीप का साउंड बजने लगता है। वी फोन उठाती है तो वापस कोई आदमी पुलिस को जानकारी दे रहा था। वो बोल रहा था, मैं सेंचुरी ट्रस्ट से बोल रहा हूँ, हमारे बैंक में रॉबरी चल रही है, आप जल्दी यहाँ पर पुलिस को भेजे। सुजैन भी ये सब देख रही थी। तब सुजैन की नजर बैंक में ही बंधक बनाए एड पर पड़ती है। दूसरी तरफ बेसमेंट में माइकल सभी ओर पेट्रोल डाल रहा था और वहां पर आई लिया से माइकल कहता है, आगे जाकर मेन वाटर लाइन है, उसमें एक बड़ा होल है, सब कुछ तैयार है, तुम उसमें जंप करो और यहाँ से निकल जाओ। यह सुनकर लिया वाटर लाइन के पाइप की तरफ चली जाती है और माइकल पेट्रोल में आग लगा देता है। बैंक में भी धुएं के कारण सायरन बजने लगता है और पुलिस भी बैंक में आने के लिए तैयार होती है। यह सब देखकर एड वी से कहता है, पुलिस अंदर आने वाली है, अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं बची, तुम्हें यहाँ से निकलना चाहिए। यह सुनकर वी एड के हाथों को खोल देती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। एड सिक्योरिटी गार्ड के हाथ खोलता है और वी पैसों का बैग लेकर बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। तब पुलिस भी बैंक में एंटर होती है और वी पैसों का बैग लेकर बेसमेंट में चली जाती है। एड वहां पर खड़ा होकर वी को जाते हुए देख रहा था। सिक्योरिटी गार्ड भी बंधक बनाए लोगों के हाथ खोल देता है। माइकल बेसमेंट में आग लगाता है और वी पैसों का बैग लेकर वाटर पाइप की तरफ जाती है। तभी वी को लॉकर रूम से माइकल की आवाज आती है। वी लॉकर रूम में जाकर देखती है तो वहां पर वही लोग थे जिन्होंने अपने फेस पर पुराने बैग पहन रखे थे और अचानक लॉकर रूम का दरवाजा बंद होने लगता है। तब माइकल दरवाजे को रोक कर वी को बाहर निकालता है और दोनों वहां से भागने लगते हैं। चेहरे पर वो बैग पहने लोग भी उनका पीछा कर रहे थे। माइकल उन लोगों को रोकता है और वी को वहां से जाने के लिए कहता है। तब वी पाइप के अंदर जाने लगती है। तब वी के आसपास भी कुछ लोग आ जाते हैं और वो लोग भी वी को रोकने लगते हैं। तब माइकल वहीं लगी गैस पाइपलाइन को तोड़ देता है जिसमें से गैस बाहर निकलने लगती है और माइकल वी को वहां से जाने के लिए कहता है। यह सुनकर वी पाइप में चली जाती है और माइकल वहां पर सभी ओर आग लगा देता है। आगे मूवी में हमें दूसरा सीन बताया जाता है जब वी कार से कहीं जा रही होती है और तब कार के रेडियो में एक न्यूज चल रही होती है। पुलिस बैंक में हुई रॉबरी की जांच कर रही है। रॉबरी करने वालों ने बैंक में 7 लोगों को बंधक बना रखा था और 5 लोगों ने बैंक में मिलकर रॉबरी की थी जिसमें 2 लेडी थी। माना जा रहा है कि आग लगने के कारण रॉबरी करने वाले सभी लोग मारे गए। वी गाड़ी रोककर लिया से मिलती है और वो लिया से कहती है, नीचे बेसमेंट में कौन लोग थे जो हमें मारना चाहते थे। लिया कहती है, मैंने वहां पर किसी को नहीं देखा, पैसा कहाँ है। वी लिया को पैसा देती है और पैसा देखकर लिया पूछती है, माइकल कहाँ है। वी कहती है, माइकल मारा गया, मैं उसे नहीं बचा पाई। यह सुनकर लिया और वी दोनों रोने लगती है। दूसरी तरफ हम बैंक के बेसमेंट की सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग को देखते हैं तो हम देखते हैं कि साइरस अपनी गन से अपने आप को ही शूट कर रहा था और क्रेमर ड्रिल मशीन से अपने ही सर में होल करके अपने आप को मार देता है। ऑफिसर आइगर बैंक के कर्मचारियों से पूछताछ करते हैं और कहते हैं, जिस आदमी के बारे में आप हमें बता रहे हो वो आदमी हमें कैमरा फुटेज में कहीं भी दिखाई नहीं दिया और ना ही वो आदमी हमें कहीं मिला। सुजैन कहती है, आप कहना क्या चाहते हो। ऑफिसर आइगर कहते हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे पास बस 6 बंधक बनाए लोगों की जानकारी है, पर आप लोग बोल रहे हो यहाँ पर 7 लोग बंधक बनाए गए थे, तो वो 7वां आदमी कौन था। तब बैंक के सभी कर्मचारी कहते हैं, हमें नहीं पता वो कौन था। ऑफिसर आइगर कहता है, तो उसे बैंक के लॉकर रूम के बारे में और अलार्म के बारे में ये सब कैसे पता था। तुम लोगों ने उसकी बातें सुनी, वो अपने आप को बैंक का असिस्टेंट मैनेजर बता रहा था, अगर वो यहाँ का एम्प्लॉय नहीं था तो उसे ये सब कैसे पता था। सुजैन कहती है, वो बैंक का एम्प्लॉय नहीं था, मैंने उसे कभी नहीं देखा। तभी सुजैन की नजर पुलिस इंक्वायरी बोर्ड पर पड़ती है और वहां पर बैंक में रॉबरी करने वालों के फोटो लगे हुए थे। सुजैन वहां पर एक फोटो को देखकर कहती है, ये वही आदमी था। ऑफिसर आइगर उस फोटो को देखकर कहते हैं, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये आदमी 1982 में बैंक रॉबरी में बंधक बनाया गया था और ये उस वक्त इस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर था। पुलिस से ये बात सुनकर सुजैन शॉक रह जाती है। आगे हमें 1982 की घटना बताई जाती है जब एड शाम के समय में कॉफी पी रहा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती है और एड बाहर देखकर पुलिस को कॉल करके बताता है, मैं सेंचुरी ट्रस्ट से बोल रहा हूँ, हमारी बैंक में रॉबरी चल रही है, प्लीज आप जल्दी पुलिस को भेजिए।
तब एड के पीछे रॉबरी करने वाला आ जाता है और वो एड को उसी समय खत्म कर देता है। दूसरी तरफ लिया और वी वापस गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगते हैं। तब उनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और लिया गाड़ी को देखती है। तभी अचानक लिया के पीछे 1982 में बैंक रॉबरी करने वाला वही आदमी आ जाता है और वो लिया को पकड़ लेता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों 1982 में बैंक में रॉबरी हुई थी, तब एड के कॉल करने के कारण वहां पर पुलिस आ गई थी और रॉबरी करने वाले ने बंधक बनाए सभी लोगों को मार दिया था, जिसके कारण उन सभी की आत्माएं अभी भी बेसमेंट में भटकती थी और लॉकर रूम की आग में रॉबरी करने वाला भी मारा गया था। उन सभी की आत्माएं बेसमेंट में भटकने लगती है और इसी तरह से एड की आत्मा भी बैंक में भटकने लगती है। जब कभी बैंक के लोगों के ऊपर कोई आफत आती है तो एड की आत्मा अभी भी उन्हें बचाने का प्रयास करती है, जैसे एड ने 1982 में पुलिस को कॉल लगाकर की थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।